मुहासे और दाना के निशान हटाने। बेसन मुहासे और दाना के निशान को हटाने में प्रभावी है क्योंकि इससे मुहासे और दानेदार प्रभावित क्षेत्र को धीरे धीरे साफ किया जाता है। आप चेहरे का मुखौटा बनाने के लिए शहद के साथ बेसन मिश्रण कर सकते हैं। इसे चेहरे पर लागू करें और इसे सूखा छोड़ दें। पानी के साथ इसे कुल्ला। इस फेस पैक का नियमित उपयोग आपके मुहासे और दाना के निशान को कम करेगा। 2. क्लियरिंग ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स। चेहरे का टी जोन अर्थात माथे, नाक और ठोड़ी के कई ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स हैं जो चेहरे को सुस्त दिखते हैं। आप इन ब्लैकहेड्स को एक बेसन आधारित छाक के साथ साफ करके साफ कर सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए मेथी के पाउडर और पानी का आधा चम्मच बेसन का 2 बड़ा चम्मच लें। इसे परिपत्र गति में मालिश करके अपने चेहरे पर लागू करें। यह आंदोलन ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को साफ करेगा। 15 मिनट के लिए पेस्ट छोड़ दें और इसे ठंडे पानी से कुल्ला दें। यदि आप एक सप्ताह में एक बार इस उपचार का उपयोग करेंगे तो यह काले और सफेद सिर की घटना को कम करेगा। शरीर के बाल विकास को रोकना। शरीर के बाल हटाने महंगे हैं और अधिकतर रासायनिक आधारित हैं जो संवेदनशील त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं है। शरीर के बालों के विकास को कम करने में बेसन से बनाई जाने वाली शारीरिक सफाई बहुत प्रभावी हो सकती है। इसके लिए आपको बेसन के 2 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच मेथी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और पानी लेना चाहिए। एक पेस्ट बनाने के लिए अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आपके चेहरे, हाथों और पैरों पर लागू करें। इसे सूखा और इसे पानी से धो लें। इस उपचार के चेहरे और शरीर के बाल कम हो जाएगा। इस उपचार के नियमित उपयोग से शरीर के बालों की वृद्धि कम हो सकती है। रंजकता का इलाज करना। बेसन प्राचीन समय से रंजकता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब इसे अन्य त्वचा के चमकने वाले तत्वों के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसकी प्रभावशीलता बढ़ा दी जाती है। नींबू का रस और बेसन का मिश्रण सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी त्वचा के प्रकार को नहीं जानते हैं तो आप इस उपचार का भी उपयोग कर सकते हैं। शुष्क त्वचा के लिए आप बेसन और पूर्ण क्रीम के दूध का पेस्ट बना सकते हैं, जबकि दही और बेसन का मिश्रण तेल की त्वचा के साथ अच्छी तरह से काम करता है। आप चेहरे पैक को लागू कर सकते हैं जो आपकी त्वचा के प्रकार को सूट करता है और जब यह सूख जाता है तो इसे ठंडे पानी से कुल्ला। इस उपचार का नियमित उपयोग आपकी त्वचा टोन को हल्का करेगा और उज्जवल करेगा। खुले पियर्स और झुर्रियां कम करना। खुले और चेहरे पर बड़े छिद्र शर्मिंदा हो सकते हैं और ये मुहासे और मुहासे के कारण भी हैं। इनके अलावा झुर्रियां और ठीक लाइनें भी आप पुराने लग सकते हैं। उम्र बढ़ने के इन शुरुआती लक्षणों से लड़ने के लिए आप बेसन त्वचा उपचार का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब के पानी या ककड़ी के रस के साथ बेसन का मिश्रण तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर लागू करें और इसे पूरी तरह सूखा दें। इसे पानी से धो लें। इस उपचार का साप्ताहिक उपयोग आपकी त्वचा को कस जाएगा और ताकना आकार को कम करेगा।